अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस्लामियत के नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमने 5 क्लास के इस्लामियत के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, हमारे बेसिक मैथ का, और 4 क्लास के इस्लामियत कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है गज़वे अहद है। ये वाले टॉपिक्स जो आजकल हम कर रहे हैं, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इनको अच्छे से तैयार करें। गज़वे अहद में कुफार का सरदार कौन था? कुफार का सरदार अबू सुफियान था। अबू सुफियान की लश्कर की तादाद कितनी थी? 3,000। गज़वे बदर के बाद कुफार ने तकरीबन 1 साल मुसलमानों से बदला लेने के लिए तैयारी की। गज़वे अहद कब पेश आया? गज़वे अहद 300 हिजरी को पेश आया। अब्दुल्ला बिन नबी रईस अल मुनाफिकीन रास्ते में 300 घुड़सवारों को लेकर अलग हो गया था, जबकि मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1,000 थी, जिसमें से 300 चले गए थे, तो कितनी मुसलमानों की तादाद रह गई थी? 700। तो गज़वे अहद में मुसलमानों की तादाद 700 थी, जबकि कुफार की तादाद कितनी थी? 3,000 थी। गज़वे अहद का वाक़ियात 7 शवाल को पेश आया, यानी 23 मार्च 625 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक गज़वे अहद में शहीद हुए। गज़वे अहद में तकरीबन 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए। गज़वे अहद में मुसलमान ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। एमसीक्यू ये ऐसे पूछा बन सकता है कि वो कौन सी जंग थी जिसमें मुसलमान ख़वातीन ने हिस्सा लिया था? तो गज़वे अहद। नेक्स्ट करते हैं, कुफार ने खालिद बिन वलीद के सरबराही में घाटी की तरफ हमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे अहद में पहाड़ी दर्रे पर 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था, जिसमें से 40 तो दर्रा छोड़कर चले गए थे, 10 अपने दर्रे पर मुकर्रर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल सहाबा कराम का नाम हज़रत मुसा बिन उमैर था। गज़वे अहद में घाटी पर मौजूद तीरंदाजों को हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर ने जाने से मना किया। गज़वे अहद किस इस्लामी महीने में पेशा? शवाल में, और शवाल की कौन सी तारीख थी? 7 तारीख थी। गज़वे अहद में मुशरिकी ने मक्का की क़यादत कौन कर रहा था? अबू सुफियान, जबकि मुसलमानों की क़यादत कौन कर रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गज़वे अहद में कुफार की तादाद कितनी थी? कुफार की तादाद 3,000 थी, और जबकि मुसलमानों की तादाद कितनी रह गई थी? 700। ये याद कर लेने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि जंगे अहद में कुफार के ऊँटों की तादाद कितनी थी? 3,000। जंगे अहद में कुफार के घोड़ों की तादाद कितनी थी? 200, जबकि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे जस्ट। किस जंग में कुरैश फ़ौज की औरतों ने मदद की और इनकी तादाद कितनी थी? गज़वे अहद में कुरैश फौज औरतों ने मदद की थी और इनकी तादाद 16 थी। गज़वे अहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 700। 300 अब्दुल्ला बिन नबी लेके क्या हो गया था? अलग हो गया था मुसलमानों के लश्कर से। अब्दुल्ला बिन नबी कितने साथियों के हमरा मैदान छोड़कर चले गए थे? 300। अब्दुल्ला बिन नबी साथियों के हमरा किस मुकाम पर जंग छोड़कर चले गए थे? मुकाम का नाम शया खान। जंगे अहद में मुसलमान लश्कर के पास घोड़े थे 2, और कुफार के पास कितने थे? 200। मुसलमान लश्कर के पास मौजूदा 2 घोड़ों में से एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, दूसरे पर दर्जाल में से कौन से सहाबा करम सवार थे? अबू बरदा। नेक्स्ट है कि गज़वे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किस सहाबा को दी थी? अबू दाजाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी दर्रे पर कितने तीरंदाजों को मुकर्रर किया था? 50। इन तीरंदाजों में से कितने तीरंदाजों ने दर्रा नहीं छोड़ा था? 10। इस दर्रे पर किसने हमला किया? जंगे अहद में खालिद बिन वलीद ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस गज़वे में शहीद हुए? गज़वे अहद में। किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? गज़वे अहद में। ये वाले टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोग इनको अच्छे से करें, इनके नोट्स बना लें, ताकि ये आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम पर अप्लाई करें तो उनमें भी आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। साथ साथ ये जस्ट एजुकेटर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी सबके लिए भी, क्योंकि ये देखें ये 5 क्लास की इस्लामियत है, तो ये बेसिक है। इससे आप लोगों की बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को इस्लामियत भी आने स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कंप्यूटर मैथ के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। गज़वे अहद में हज़रत हमज़ा की कितनी बार नमाज जनाजा पढ़ाई गई? 70 बार। गज़वे अहद का पहाड़ मक्का से कितने किलो मीटर के फासले पर वाक़ है? 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इधर ही, कल हम इंशाअल्लाह गज़वा खंदक कंप्लीट करेंगे।